मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है रविवार को और मकर राशि में गए हैं। मित्रों जी, मैं भार्गव नंदन भृगुनंदन भार्गव शुक्र की बात कर रहा हूँ। हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रोक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। मित्रों, शुक्र का महत्व बृहस्पति से कम नहीं है। बृहस्पति यदि देवगुरु हैं तो शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु रहे हैं। बड़े बड़े इनके शिष्य हुए हैं, रावण, महाबली, प्रहलाद, बलि। तो आइए मित्रों, आज शुक्र की बात करते हैं कि यह राशि परिवर्तन करके किन तीन राशियों को माला माल करेंगे। बाकी राशियों को भी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इन तीन राशियों पर विशेष कृपा रहेगी। और जिन राशियों की चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग इनके लग्न को भी समझें। यदि मैं जिन राशि का नाम ले रहा हूँ उसी राशि का अगर लग्न भी हो आपका, तो भी आपको वही फल मिलेगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुक्र सबसे पहले किसको क्या कृपा देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वृष राशि वालों की। जी हाँ मित्रों, वृष राशि वालों के लिए बहुत सुखद रहेगा शुक्र का यह गोचर। बहुत ही मानसिक शांति देने वाला होगा शुक्र का यह गोचर। स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देंगे शुक्र, मान सम्मान में बहुत वृद्धि कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। आपके किए गए कार्यों की बहुत सराहना होगी। कार्यों की सराहना के साथ साथ आपके किए गए कार्य भी फलित होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो होगा ही होगा। आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत होगा, घर संसार गृहस्थी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मित्रों, इसके बाद जो अगली राशि शुक्र की बहुत कृपा प्राप्त करने जा रही है वह कर्क राशि। कर्क राशि पर शुक्र की विशेष कृपा होगी। मित्रों, यदि कर्क राशि वालों की बात करें तो सबसे पहले धन संबंधी उनकी सारी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही धन संबंधी ग्रोथ होगा उनको। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। कम कार्य में अधिक परिणाम मिलेंगे। नौकरी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार वालों के लिए कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर एक महीने तक बहुत ही शुभ रहेगा। इसके बाद जो भाग्यवान राशि या लग्न है वह है सिंह राशि। मित्रों, परिवार में समय दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार अगर करते हैं तो किसी वरदान से कम समय आपके लिए नहीं होगा। हर कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेंगे और परमात्मा आप पर बहुत कृपा बनाएंगे। तो मित्रों, यह तीन राशि और तीन लग्न, मतलब वृष राशि वृषभ लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए यह शुक्र का गोचर बहुत ही बढ़िया है। बहुत इंजॉय कीजिए इस समय को। और भृगुनंदन भार्गव का ध्यान करते रहिए। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाते रहिए, लक्ष्मी जी की आराधना करते रहिए और हो सके तो हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रोक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम का जप करते रहिए। बहुत कल्याण होगा। जय सियाराम।